कानपुर में भड़की हिंसा की चिंगारी उत्तर प्रदेश के अब दूसरे जिलों में पहुंचने लगी है। एहतियातन बरेली में प्रशासन ने 3 जुलाई तक कर्फ्यू लगा दिया, क्योंकि बरेली में 10 जून को मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसको लेकर प्रशासन ने जिले भर में धारा 144 लागू कर दिया। धारा 144 लागू होने के बाद कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान धरना प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी, लिहाजा कानपुर में हुई हिंसक घटना को लेकर प्रशासन सतर्क है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि कानपुर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कथित तौर पर बाजार बंद कराने को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान जमकर पत्थर चलाए गए, मौके पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लिहाजा कानपुर में यतीम खाना और परेड चौराहे के बीच स्थित इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। झड़प में 2 लोग और 1 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हिंसा तब शुरू हुई जब कुछ लोगों ने दूसरे समूह के विरोध करने के बावजूद दुकानों को बंद कराने की कोशिश की। हालांकि पूरे मामले पर पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है, पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। अब तक पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को भी गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि सीएम योगी ने कानपुर हिंसा को लेकर पहले ही साफ कर दिया है कि आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोषियों के संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। पुलिस हिंसा को लेकर पीएफआई कनेक्शन की भी जांच कर रही है। पुलिस पीएससी के साथ आरएएफ के जवानों को भी मौके पर तैनात किया गया है। लगातार इलाके में गश्त जारी है। पुलिस कमिश्नर, डीएम, डीसीपी समेत अन्य पुलिस के अधिकारी रूट मार्च कर तनाव को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बवाल का असर इलाके में पड़ा है। शनिवार को अधिकतर बाजार बंद रहा, जो दुकानें खुली वहां पर ग्राहक नजर नहीं आए। गलियों में भी सन्नाटा पसरा रहा। इसी के मद्देनजर एहतियातन बरेली में भी कर्फ्यू लगाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।